हाय एवरीवन, मैं हूं आपका फैमिली फिजियो जितेश शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइजेस फॉर रोटेटर कफ टेंडिनोपैथी। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस फॉर रोटेटर कफ। सबसे पहली एक्सरसाइज सुपीरियर कफ टेंडिनोपैथी या सुप्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी के लिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज होती क्या है। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है कि जिसमें आप इक्वल एंड अपोजिट प्रेशर अप्लाई करते हो और एक्चुअल मूवमेंट कुछ नहीं होता है। तो जैसे कि अब सबसे पहली एक्सरसाइज सुपीरियर कफ टेंडिनोपैथी या सुप्रास्पाइनेटस के लिए, इसके लिए वॉल के अगेंस्ट खड़े होंगे और आपका जो शोल्डर है वो स्कैपुलर प्लेन में रहेगा, यानी कि 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल अबडक्शन। इस पोजिशन में ऐसे वॉल के अगेंस्ट आपको हाथ को जोर से प्रेस करना है और होल्ड करके रखेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। इसी को हम दूसरी वॉल के अगेंस्ट और करके दिखाते हैं कि आपको डिफरेंट एंगल में पता चले। 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल अबडक्शन और होल्ड करके रखेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। इस एक्सरसाइज को 4 से 5 बार रिपीट करना है। सेकेंड एक्सरसाइज पोस्टीरियर सुपीरियर कफ टेंडिनोपैथी, इसमें इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस माइनर मसल के लिए। इनका एक्शन है एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट कराना शोल्डर पे। तो हमें क्या करना है, जो एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट है उसमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना है और एक्चुअल मूवमेंट कुछ नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम वॉल के अगेंस्ट कर सकते हैं, हाथ को ऐसे प्लेस करेंगे जिसमें एल्बो 90 डिग्री रहेगी और फिस्ट बना के रखेंगे और उसको बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे और वॉल के अगेंस्ट होल्ड करके रखेंगे। 10 से 15 सेकंड आप होल्ड करके रख सकते हैं, देन रिलैक्स। ऐसे दूसरी वॉल के अगेंस्ट आपको दिखा रहा हूं मैं दूसरे एंगल में। ऐसे एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वॉल से हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अब देखिए बाहर की तरफ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, होल्ड करके रखेंगे 10 से 15 सेकंड, देन रिलैक्स। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि सेम इसी पोजीशन में आएंगे और दूसरे हाथ से आपको मूवमेंट को रोकना है। बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, होल्ड करके रखेंगे, देन रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को भी 4 से 5 बार आप रिपीट कर सकते हैं। थर्ड है एंटीरियर सुपीरियर कफ टेंडिनोपैथी, जिसमें बेसिकली सबस्कैपुलरिस मसल की टेंडिनोपैथी के लिए। सबस्कैपुलरिस मसल का काम है इंटरनल रोटेशन मूवमेंट कराना। तो इसको हमें आइसोमेट्रिक करवाने के लिए क्या करना है कि सीधा खड़े होंगे, अपनी बेली पे हाथ रखेंगे और जैसे कि मैंने बताया इंटरनल रोटेशन मूवमेंट वही करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और बेली से हम प्रेस करेंगे। ऐसे होल्ड करके रखेंगे 10 से 15 सेकेंड, देन रिलैक्स। अब दूसरे एंगल से आप देख सकते हैं हम इंटरनल रोटेशन मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और बेली के अगेंस्ट हम मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ऐसे होल्ड करके रखेंगे, देन रिलैक्स। 10 से 15 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और 4 से 5 रिपीटेशन करना है। इन तीनों एक्सरसाइज को आप सुबह शाम 2 टाइम कर सकते हैं। ईच एक्सरसाइज 4 से 5 रिपीटेशन, 10 से 15 सेकेंड का होल्ड टाइम हर रिपीटेशन में। आइसोमेट्रिक रोटेटर कफ आपकी एक्सरसाइजेज आपको हेल्प करेंगी पेन को कम करने में। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगा। Thank you for watching the video.